नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। आइए समझ लेते हैं लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया को। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया 2023 अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसे इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने जारी किया है। यह एटलस देश में भूस्खलन हॉटस्पॉट की विस्तृत रूप से पहचान करवाता है। इस एटलस के लिए सैटेलाइट डाटा का प्रयोग किया गया है और इसके लिए 17 राज्यों और 2 संघ शासित प्रदेशों के भूस्खलन क्षेत्रों का भी मूल्यांकन किया गया है। इसमें हिमालय और पश्चिमी घाट के साथ 1998 से 2022 के बीच की घटनाओं के आधार पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का रिकॉर्ड तैयार किया गया है। डेटाबेस में 3 प्रकार की भूस्खलन सूची शामिल है, जैसे मौसम पर आधारित, घटना आधारित और रूट वाइज। भारत में वर्षा आधारित भूस्खलन घटनाएं अधिक आम है। इस एटलस के अनुसार देश के लगभग 12.6% भूमि क्षेत्र पर भूस्खलन की संभावना है। देश का लगभग आधा भूस्खलन प्रवण क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड राज्यों में स्थित है। भूस्खलन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारकों में जैसे भारी वर्षा, भूकंप, हिमपात और बाढ़ के कारण ढलानों का कम होना इत्यादि इसमें शामिल है। मानव जनित गतिविधियों में जैसे उत्खनन, पहाड़ियों और पेड़ों को काटने, अत्यधिक बुनियादी ढांचे के विकास और मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई भी इसके कारण हो सकते हैं। आपको बता दें कि भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 भूस्खलन संभावित देशों में माना जाता है। वहीं भारत के उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग को संवेदनशील जिलों में शीर्ष पर रखा गया है।